गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन द क्लास ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। मैं हूं विक्रम शर्मा, नेशनल ट्रेनर ऑफ स्पोकन इंग्लिश, टू टीच यू हियर हाउ टू स्पीक इंग्लिश। वी आर कंटिन्यूइंग द क्लासेस टू लर्न मेनी न्यू थिंग्स इन आर डे टू डे क्लासेस एंड ऑब्वियसली टूडे लाइक यूजफुल क्लासेस आई एम टेकिंग अ डिफरेंट टॉपिक फॉर यू फॉर लर्निंग टू अपग्रेड योर नॉलेज। Yes, my dear students, everyone needs to learn something different in our daily classes. So now here we have a next topic on the board. Yeah, what's it? Let's see that. We are learning today sentences starting with sentence starting with I am. Abbreviation, it means that छोटा रूप, संक्षिप्त रूप, कि दो वर्ड्स को जोड़कर जो हम एक वर्ड बना लेते हैं, that is called abbreviation. So abbreviation आज हम यहां पर ले रहे हैं I am. What is that? I am. अच्छा, कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको? How to pronounce that? Let's see. This is the word we pronounce it I am. What do we say? I am. Yeah. तो आज हम वो sentences सीखने जा रहे हैं जो कि I am से start होता है, और आज हम बात करने वाले हैं उन sentences की जो नॉन एक्शन से बनते हैं, मतलब कि जिनमें कोई वर्ब नहीं होता है, जिनमें कोई एक्शन होता नहीं है, कोई वर्ब नहीं हो रहा है, सिर्फ ओनली आप अपने लिए बता रहे हैं कि अगर आप कुछ भी हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं, बता रहे हैं अपने बारे में। यू कैन टेल अबाउट योर प्रोफेशन, यू कैन टेल अबाउट योर प्रेजेंट कंडीशन, यू कैन टेल अबाउट योर वाइसेस एंड वर्चूज, मीन्स वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, एंड ऑल्सो अबाउट योर प्रेजेंट लोकेशन। आप अपनी सभी चीजों के बारे में यहां पे बता सकते हैं बाय स्पीकिंग द सेंटेंस विद आई एम। हम ये क्लासेस अटेंड कर रहे हैं ऑन अपना स्कूल ऐप, जहां पर हम सीख रहे हैं हमारी रोजाना की क्लासेस में बहुत कुछ नया। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इन द शॉर्ट ड्यूरेशन वी विल बी एबल टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश वेरी इजिली, सो आई एम डूइंग माई बेस्ट इन दैट कंसर्न। या so now we are learning here, but before starting that I want to know something about you, that everyone is are you fine? to aap mujhe thumb impression show kar rahe hain, yes you are fine, I know that. to main bhi bahut acha hu, I am also fine. yeah, so now see, we are here to learn sentences starting with I am and abbreviation. so I am se hum kaun se sentences banate hain jo ki non actions mein bante hain, to dekh lete hain abhi. अभी मैं आपसे कहूंगा चलिए देखते हैं, तो मेरा सेंटेंस होगा लेट्स सी। व्हाट डू यू से? लेट्स सी, स्पीक अप अगेन, लेट्स सी। यस एवरीवन, तो अभी हम यहां पर बात करने वाले हैं द सेंटेंस इज स्टार्टिंग विद आई एम। तो आई एम से हम बनाएंगे सेंटेंसेस, और अब इन सेंटेंस को कैसे करेंगे हम स्पीक, लेट्स सी। आई एम आफ्टर एनी काइंड ऑफ नॉन एक्शन, कोई भी नॉन एक्शन की बात कर रहे हैं, कोई भी नॉन एक्शन, इसका मतलब है नाउन। यस भाई, नाउन क्या होता है? नाउन आपने कई बार सुने होगा, इसके डेफिनेशन भी आपने लर्न की होगी, कि हमारे बुक्स में जनरली हमने पढ़ा कि नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यस, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यस, तो जो नाउन है उसी की आज हम बात करने वाले, लेकिन यहां पर हम इसे नॉन एक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि नाउन और नॉन एक्शन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। व्हाट? कि नाउन द ओनली पर्सन, प्लेस और थिंग और एनी फीलिंग का नेम। यस, बट अगर हम बात करें नॉन एक्शन की, तो नॉन एक्शन में कुछ कंडीशंस आती हैं, कुछ क्वालिटीज भी आ सकती हैं। यस, और कुछ आपकी प्रोफेशन के बारे में आ सकता है, जो भी चीजें हैं आपकी एडजेक्टिव्स आ सकते हैं आपके बारे में, जैसे कि आप जैसे भी हैं, आप अपनी क्वालिटी बता रहे हो, आपका एडजेक्टिव है। यस,
तो वो सारी बातें हम यहाँ पे नॉन एक्शन में स्पीक कर सकते हैं। टोटली ओवरऑल हम बात करें कि ऐसा कोई भी वर्ड जिसमें कोई वर्ब नहीं हो रही है, कोई काम होने की बात नहीं हो रही है, वो नाउन, वो नॉन एक्शन कहला सकता है। यस, तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आई एम अब्रीविएशन। लेट्स सी, अगर आप मुझे कहेंगे अपने बारे में कि सर मैं हूं, और आप जो भी है बता रहे हैं मैं हूं, तो आप कुछ भी है मैं कैसे बताएंगे? तो आपको एक मैं हूं बोलना है, आई एम। व्हाट डू यू से? आई एम। यस, अब आप जो भी हैं सबसे पहले बताते हैं अपनी प्रेजेंट कंडीशन के बारे में। अब कंडीशन क्या क्या हो सकती है, जैसे कि आप ही कहेंगे कि सर आज, आप ही कहेंगे कि सर आज का जो मौसम है बहुत ही सुहाना है, सर आज का मौसम तो बहुत ही अच्छा है। सुहाना मौसम का मतलब होता है नॉट सो कोल्ड, नॉट सो हॉट। यस, तो आप ये कहेंगे कि सर टुडेज वेदर इज सो प्लेजेंट, दैट्स व्हाई, इसलिए, दैट्स व्हाई मैं खुश हूं, सर खुश हूं। आप खुश हैं तो आप कैसे कहेंगे? आई एम हैप्पी। व्हाट डू यू से? आई एम हैप्पी। एवरीवन अगेन, आई एम हैप्पी या आर यू हैप्पी? तो आप हैं हैप्पी, आप हैं खुश, तो आपने कहा आई एम हैप्पी। ओके ओके, आई गेट इट। तो नाउ अब हम बात कर रहे हैं कुछ और, कि अगर आप ये कहेंगे कि सर कुछ ऐसे भी हैं जिनके पेरेंट्स जो हैं वो उन्हें थोड़ा सा डांट चुके हैं, इसलिए वो आज थोड़ा सा खुश फील नहीं कर रहे, थोड़ा सा दुखी है वो इस बात से, तो वो क्या कहेंगे कि सर मैं तो ना थोड़ा सा दुखी हूँ, मैं तो दुखी हूँ सर। और अगर आप दुखी हैं तो उनमें से एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं राइटिंग ऑन द बोर्ड, दीज आर दी वर्ड्स। Let's see. The first word is here, sad. What do you say? Sad. Speak up again. Sad. Yes. And second word is here, upset. Upset. Again, upset. Yeah. तो आपने कहा कि सर मैं दुखी हूं, तो आप कहेंगे I am upset. I am upset. अब आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि सर आज दुखी हूं, आज, आज की बात कर रहे हैं। तो आज अगर आप कोई भी बात कर रहे हैं, in English, today. What do you say? Today. This is not today. That is not today. If you are speaking this word today, that is wrong. If you are speaking this word today, that is also not correct. But you speak this word today. 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 Yeah, today. तो आपने कहा कि sir, I am upset today. अब मैं आपसे जरूर से पूछूंगा कि भाई क्यों? क्यों? अब क्यों को हम कैसे पूछते हैं किसी से? क्यों, क्यों को हम पूछते हैं विद द वर्ड व्हाई। क्यों मैंने जब आपसे पूछा तो मेरा वर्ड है क्यों जानने के लिए व्हाई। यस, व्हाई कि भाई क्यों हो दुखी है? आप एक कहोगे कि सर मेरे पापा है ना, वो है ना एक्चुअली उन्होंने मुझे डांटा, मेरे पापा ने मुझे डांटा सर। अब आपके पापा ने आपको डांटा, भाई इस बात को कैसे बोलते हैं? मेरे पापा ने मुझे डांटा और इसलिए मैं दुखी हूं। अब आप बता रहे हो रीजन, तो आपने कहा कि सर माय फादर स्कोल्डेड मी, माय फादर स्कोल्डेड मी। यस, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं सेंटेंस की जो कि स्लैंग है। अगर मान लीजिए आप बता रहे हैं किसी के लिए भी तो उन्होंने आपको डांटा है, ये आप कैसे कहें? He scolded me. He scolded me. Yeah, you are right. अब he की जगह भाई my father भी बोल सकते हैं, my mother भी बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकते हैं। तो आपको जिसने भी डांटा है आप ऐसे बता सकते हैं। आपने कहा मैम ने मुझे डांटा, तो आप कहेंगे मैम scolded me. Speak up again. मैम scolded me. अब देखिए किसी के लिए बता सकते हैं। आपने कहा कि मेरी मम्मा ने मुझे डांटा, माई मदर, he की जगह आप क्या रिप्लेस कर रहे हैं? माई मदर। जिसने भी आपको डांटा आप ही की जगह या तो उसके लिए कोई प्रोनाउन जैसे ही, सी, इट, दे वो लगा सकते हैं, और या फिर आप ही की जगह उसका नेम बोल सकते हैं, और या फिर आप ही की जगह उससे आपका रिलेशन क्या है वो बता सकते हैं। जैसे आपकी मम्मी, तो उन्हें आप क्या कहेंगे? माई मदर। या तो आपने कहा यहाँ पर माई मदर, उसके बाद स्कोल्डेड मी, फिर से स्पीक करेंगे My mother scolded me. Yes, Shalini, please speak up.
ट्राई टू स्पीक शालिनी, डोंट कीप क्वाइट। भाई देखो, हमारी सभी क्लासेस जो आप अटेंड करते हैं अब तक, अभी तो उन सभी क्लासेस में आपने देखा होगा, स्कूल में भी अक्सर ऐसा ही होता है कि वहां पर टीचर्स जो है वो आपको ऑब्वियसली ऐसा कहते रहते हैं, जस्ट कीप क्वाइट कीप क्वाइट कीप क्वाइट। बट आई एम द ओनली टीचर जो नहीं कहता ऐसा कि कीप क्वाइट, ही सेज दैट कि भाई स्पीक अप स्पीक अप, डोंट सिट क्वाइट। या मैं आपसे कहता हूं कि बोलिए, चुप मत बैठिए। व्हाई? बिकॉज दे ऑल टीचर्स आर टीचिंग यू अ सब्जेक्ट एंड आई एम टीचिंग यू कम्युनिकेशन। यस, वो आपको पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट जो कि सुनने और लिखने से आ जाएगा, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंग्लिश कम्युनिकेशन, इंग्लिश में बातचीत करना। यस, तो अगर आप बातचीत करने की शुरुआत नहीं करेंगे, अगर आप स्पीकिंग करने की शुरुआत नहीं करेंगे, तो फिर आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं आ सकता। हम राइटिंग करते हुए इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं सीख सकते हैं। यस, दैट्स व्हाई आई कीप सेइंग कि स्पीक अप स्पीक अप, सभी को बोलना है। राइट, नाउ सी हियर माय सेंटेंस। अगर आप ये कहते हैं खुद के बारे में कि सर मैं हूं, क्या है भैया, आपने कहा कि सर मैं हूं थोड़ा सा बीमार हूं, मैं बीमार। अब आप बीमार हैं तो भाई देखो, बीमार भी हम यहां पर दो वर्ड की बात कर लेते हैं, कौन कौन से वर्ड है बीमार के लिए। लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि बीमार हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। अब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का कोई आंसर आ रही है इल, हमें पता है कि बीमार को हम इल बोलते हैं, है ना। और सेकेंड वर्ड इज हियर सिक या सिक। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है इल और सेकेंड वर्ड है सिक। यस, तो अब हम बात करें कि अगर आप हैं बीमार तो आप कैसे बताएंगे। लेट्स सी, आप बताएंगे ऐसे, आई एम इल। व्हाट डू यू से? आई एम इल आई एम इल आई एम इल। यस, आई एम इल। आपने कहा कि सर आज मैं ना बीमार हूं, तो आपने कहा कि सर आई एम इल टुडे, I am ill today. I am ill today. Very nice. अब हम बात करते हैं कि ये सिर्फ जो वर्ड है इसका भाई यूज क्या है, वॉट इज यूज ऑफ दिस वर्ड, इसका भी बीमार के लिए यूज है, तो आप इसे कैसे बोल सकते हैं। I am sick today. I am sick today. What do you say? I am sick today. लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वॉट इज डिफरेंस बिटवीन इल एंड सिक। दोनों बीमार के लिए होते हैं, बट वेयर डू वी यूज इल, वेयर डू वी यूज सिक। देखिए, कोई नेचुरली अगर बीमार हुआ है तो दैट इज कॉल्ड इल, और अगर कोई अननेचुरल एक्टिविटीज के थ्रू अगर बीमार हुआ है तो वो है सिक। यस, जैसे अगर आप ये कहेंगे कि जैसे आप कल रात को सोए नहीं और आज आप मॉर्निंग से ही थोड़ा सा हेडेक फील कर रहे हैं, थोड़ा सा टायर्डनेस फील कर रहे हैं, थकावट फील कर रहे हैं, तो फिर उसे हम सिक होना कहते हैं, और उस कंडीशन को कहते हैं सिकनेस। क्या बोलते हैं उसे? सिकनेस। यस, जैसे आप ही कहेंगे कि सर जैसे कि आपने ऐसा कुछ किया था कि आप बहुत ज्यादा पैदल चले तो आपको शरीर में थकावट हो गई है, या फिर आप सोए नहीं तो आज आपको नींद आ रही है, या फिर आपको हेडेक हो रहा है, या फिर अगर मान लीजिए आपके हैंड और लेग्स में अगर पेन फील हो रहा है, तो ये सारी कंडीशन सिकनेस की है, तो आप बोल सकते हैं आई एम सिक टुडे। व्हाट डू यू से? आई एम सिक टुडे। यस, अब अगर मैं आपसे पूछूंगा भाई कैसे कैसे, तो फिर मैं उसे पूछूंगा एक और डब्ल्यू एच वर्ड से, और वो क्या है कि जब भी हम किसी से पूछते हैं कि भाई कैसे, तो हम उसे पूछते हैं हाउ। हाउ, व्हाट डू यू से? हाउ। आप में से कुछ स्टूडेंट्स इसे मिस्टेक करते हैं इसे प्रोनाउंस करने में, वो इस वर्ड को एच ओ डब्ल्यू को क्या प्रोनाउंस करते हैं? हु, लेकिन ये हु नहीं है, ये है हाउ। Would you say how? Yes. By the way, everyone, how is your study going on nowadays? भाई आजकल आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आप में से most of students जो है इस तरह से thumb impression show कर रहे हैं like this, it means they are saying कि sir it's fine. तो भाई मैं भी ये चाहता हूँ कि everyone's study should go on fantastic. सभी की जो पढ़ाई है बहुत ही अच्छी चलनी चाहिए, बहुत ही अच्छी चलनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको पूछना चाहता हूँ, अलॉन्ग विद इट आई वॉन्ट टू आस्क यू ऑल दैट कि जो सेंटेंसेस मैंने अभी तक आपको इस क्लास में सिखाए हैं, या जो सेंटेंसेस हमने इन क्लासेस के अंदर लर्न किए हैं,
अपने घर पर भी स्पीक करने के लिए, क्या आप उन्हें स्पीक कर रहे हैं? आर यू स्पीकिंग देम? इफ यू आर ओनली अटेंडिंग क्लासेस एंड यू आर नॉट स्पीकिंग एनी सेंटेंस इन इंग्लिश एट होम, तो फिर भाई आपके लिए ये नॉलेज हो जाने वाली है यूजलेस. यस, यूजलेस. क्यों? क्योंकि अगर हमने जो इस क्लास में सीखा अगर हम उसे स्पीक ही नहीं करेंगे अपनी रूटीन लाइफ में, तो फिर ये सारी बातें हमारे माइंड से हो जानी है स्किप. दैट्स व्हाई आप सभी को जो भी सिखाया गया उसे आपको एट होम अभी यूज करना है, और जब आपकी स्कूल ओपन होती है तो आपको स्कूल में भी यूज करना है विद योर क्लासमेट्स विद योर टीचर्स, और अभी आप यूज करेंगे विद योर फादर मदर एंड विद योर सिबलिंग्स जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं. यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप आते हैं अब अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर. लेट्स सी हियर. आपने बताई अपनी प्रेजेंट कंडीशन, अब आप बता रहे हैं अपनी वाइसिंग वर्चुअल. कोई वाइसिंग वर्चुअल क्या होती है? अपनी क्वालिटीज बता रहे हैं आप, अपनी क्वालिटीज अपनी अच्छाइयां बता रहे हैं, या फिर अपनी कुछ वीकनेस बता रहे हैं, मतलब कुछ कमियां आपकी बता रहे हैं जो कैसे हो सकती है. द क्वालिटीज ऑफ योर पर्सनैलिटी आप बता रहे हैं यहाँ पे. तो लेट्स सी द फर्स्ट वन. This is the word. We are learning that this word is here to say that stubborn. What do you say? Stubborn. Speak up now. Stubborn. Stubborn. Yeah. If you are saying stubborn, it means that jiddi. Jiddi kaun kaun hai bhai aap mein se? Kaun kaun jid karta hai mamma se ice cream ke liye? Ya kaun kaun jid karta hai mamma se Maggie ke liye? या फिर पिज्जा के लिए. पिज्जा या पिज्जा पिज्जा या. नाउ सी इफ यू आर सेइंग दिस मैं हूं जिद्दी, आप में से किसने हैंड रेज किया? या सम स्टूडेंट्स ऋतिक एंड आयुष एंड शिवानी एंड नलिनी, या दीज आर स्टूडेंट्स हु आर रेजिंग हैंड्स. दे आर सेइंग कि सर थोड़ा किक तो हम करते हैं क्योंकि अभी है समर ब्रेक और हम कर रहे हैं एंजॉय बराबर अपने घर पर, नानी के घर पर, अपने घर पर, और वहां पर जिद्दी तो करना बनता है क्योंकि कभी कभी हमें कुछ चीज लेनी होती है और हमारे पेरेंट्स हमें वो चीज दिलवाते नहीं है, तो फिर हमें थोड़ा सा जिद्द करनी पड़ती है, ऐसा आप कह रहे हैं. लेकिन माय डियर एवरीवन स्टूडेंट, यू विल नॉट बी स्टबर्न सो मच. भाई बहुत ज्यादा जिद्दी नहीं बनेंगे, बट इफ यू आर स्टबर्न देन बी स्टबर्न इन अ पॉजिटिव वे. पॉजिटिव वे में बनिए स्टबर्न, नॉट इन नेगेटिव वे. अपने पेरेंट्स को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी लाइफ में कुछ और ज्यादा अच्छा अचीव करने के लिए आप करेंगे, जिसमें आपकी लाइफ में आपके करियर में वो चीज हेल्पफुल होगी. कुछ सीखने के लिए आप बनेंगे स्टबर्न. आपने कहा कि सर मैं जिद्दी हूं, आप बोलेंगे आई एम स्टबर्न. व्हाट डू यू से? आई एम स्टबर्न. या यू लुक वेरी प्रीटी टुडे. प्रीटी प्रीटी क्या होता है? प्रीटी प्रीटी का मतलब होता है सुंदर. देखिए अब अगली क्वालिटी है भाई, सुंदर को क्या बोलते हैं? सुंदर सुंदर लग रहे हो, सुंदर आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुंह से निकल रहा है. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल यस द वर्ड इज हियर. The word is here, beautiful. आप ये कह रहे हैं कि सर आप खुद के लिए तो कैसे कहेंगे, लेकिन आप ये कहेंगे किसी को कि भाई देखिए ये जो है ना ये चीज आपके सामने रखी हुई है. आपने कहा कि सर ये जो मेरी पेंटिंग है ना सर ये बहुत ही सुंदर है सर, तो आप बोलेंगे सर माय पेंटिंग इज सो ब्यूटिफुल. माय पेंटिंग इज सो ब्यूटिफुल यस. अब देखिए कभी कभी हम किसी की तारीफ भी कर लेते हैं, हम किसी की तारीफ भी कर लेते हैं. जैसे कि हमारे एक फ्रेंड है, वो आज न्यू ड्रेस पहन के आया, तो हम उसे क्या कहेंगे कि भाई देखो आप है ना बहुत सुंदर लग रहे हो. हम ये वाला वर्ड यूज करेंगे, यू लुक वेरी प्रीटी. यू लुक वेरी प्रीटी. हमने कहा एक्सप्लेन यूज किया है हमें,
आई एम सेइंग यू लुक सो प्रीटी. देखो सो और वेरी दोनों का एक ही मतलब, इन दोनों का मतलब है बहुत. तो आप बहुत हो, थोड़े नहीं हो, बहुत. आप बहुत सुंदर हो तो कहेंगे यू लुक सो प्रीटी. इसका मतलब यह है कि आप बहुत ही सुंदर लग रहे हो, आप सुंदर दिखाई दे रहे हो, बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहे हो. तो हम कहेंगे यू लुक सो प्रीटी. क्या बोलेंगे? यू लुक सो प्रीटी. यस, आप बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हो. आज आपकी नई ड्रेस जो है वो तो बहुत ही सुंदर है. योर ड्रेस इज वेरी प्रीटी. योर ड्रेस इज सो ब्यूटीफुल. योर ड्रेस इज सो ब्यूटीफुल. यस, आपकी ड्रेस जो है बहुत ही सुंदर है. अब जब आपकी कोई तारीफ कर देता है, अगर सपोज कीजिए आपको कोई बोलता है कि योर ड्रेस इज सो ब्यूटीफुल या फिर यू लुक सो प्रीटी, अगर आपसे कोई ऐसा कहे तो आप उसे क्या कहेंगे? आप उसे थैंक्स बोलते हैं ना, या आप उसे बोलते हैं थैंक यू. यस, लेकिन आप कुछ और भी बोल सकते हैं. आप एक सबसे अच्छा जो आंसर दे सकते हैं जब आपकी कोई तारीफ करता है, तो सबसे अच्छा आपका आंसर है वो क्या है? वो है थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट. व्हाट डू यू से? थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट. या सो हाउ डू यू से दैट? आई एम राइटिंग हियर. If you are saying that thanks for the compliment, it means this is that कि इस तारीफ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. ये जो आपने तारीफ की है इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद. Yes, you are saying thanks for the compliment. आपकी कोई भी तारीफ करें, जैसे आपकी हैंडराइटिंग के लिए मैंने कहा कि भाई आपकी हैंडराइटिंग तो बड़ी सुंदर है. बड़ी सुंदर का मतलब बहुत सुंदर है. Yes, तो मैं आपसे कहूंगा आपकी हैंडराइटिंग तो बहुत सुंदर है. My sentence is that your handwriting is beautiful, very beautiful. Your handwriting is very beautiful. Your handwriting is so beautiful. And you will say, ki, sir, thanks for the compliment. What do you say? Thanks for the compliment. Yes, everyone, speak up now. Thanks for the compliment. Very nice. And now, if you say, ki, aap jo bhi hain, wo aap yahan pe bata rahe. Abhi aap bata rahe hain apni qualities ke baare mein. कोई भी चीज की क्वालिटी हम कैसे बताएंगे, स्पेशली खुद के बारे में बताएंगे. नाउ सी, इफ यू आर सेइंग कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं आप में से जो कि शर्माते हैं बहुत ज्यादा, बहुत शर्माते हैं. जब भी वो न्यू किसी पीपल के सामने जाते हैं, न्यू पर्सन के सामने जाते हैं, तो उनके मम्मा पापा कहते हैं कि बेटा स्पीक अप, बेटा टेल योर नेम, बेटा टॉक टू अंकल. लेकिन आप नहीं बोलते. क्यों? क्योंकि आप क्या हैं? शाय, शर्माते हैं, शर्मीले हैं, शर्मीले. तो आपकी क्वालिटी को आप कैसे बताएं? आपने कहा कि सर मैं तो शर्म मुझे आती है, मैं शर्मीला हूं सर. तो आप कहेंगे आई एम शाय, आई एम शाय. तो आप में से कौन कौन है शाय वो अपना हैंड रेज करेंगे. यस, तो आप में से I think around 20% of students are saying that कि I am shy. भाई देखो ये एक negative quality भी है हमारी. Why? क्योंकि if you are shy, अगर आप shy हैं, अगर आप शर्माते हैं, तो that in your life many things are there which you are gonna miss. जो कि चीजें आप miss करने वाले हैं. What? You will miss your confidence. आप अपने confidence को miss करेंगे. You will not be very confident person if you are shy. क्योंकि मेरा मानना है, it's my personal thought that if a person is shy or if a person gets scared, अगर कोई person अगर शर्माता है या फिर वो डरता है, he can't be confident. So if you want to be confident, first of all stop feeling shy. सबसे पहले शर्माना बंद कर दीजिए. Okay? Now, if you are saying कि सर मैं तो हूं क्या, आप ये कहेंगे सर मैं तो शरारती हूं सर, शरारत जरा करता हूं सर, शरारत, शरारत, शैतानी, ये सब मैं करता हूं. तो आप हैं क्या हैं आप? आपकी क्वालिटी, आई एम राइटिंग हियर, लेट्स सी ऑन द बोर्ड, क्या हैं आप?
The word is written here naughty. What do you say? Naughty. Yeah. तो आप अगर शरारत ज्यादा करते हैं तो आप ये कहेंगे कि भाई सर मैं तो शरारती हूं. तो आपने कहा आई एम नॉटी. सर आई एम नॉटी. आई एम नॉटी. या तो आपने कहा कि सर मैं शरारती हूं. सर आई एम नॉटी. अब आपकी बात हम सुन लेते हैं. आपकी बात मैंने सुनी कि देख अरे भैया अगर शरारती हैं आप, अगर आप घर पे बहुत ज्यादा शरारत करते हैं तो आपकी मम्मी और पापा से आपको डांट भी तो पड़ती होगी, है ना. और आपके मम्मा और पापा आपको कभी कभी स्लैप भी तो लगाते होंगे. यस, ऐसा पॉसिबल है. इट्स पॉसिबल. या अगर मान लीजिए आप ये कहेंगे कि सर मैं ना मैं, सर मैं तो एक्चुअली आपकी वन क्वालिटी है. आपने कहा कि सर मैं हूं थोड़ा सा मेहनती इंसान. ऐसा व्यक्ति जो भी मेहनत ज्यादा करता है, वो बहुत ज्यादा मेहनती इंसान होता है, तो उस पर्सन को हम बोल सकते हैं द क्वालिटी इज हियर हार्ड वर्किंग. व्हाट यू से? हार्ड वर्किंग. यस. सो इफ यू आर सेइंग अबाउट योर सेल्फ कि सर मैं मेहनती इंसान का मीन्स ये नहीं होता कि आप धूप में काम करें. नो. मेहनती इंसान का मतलब है उसको जो भी काम दिया जाए वो उस काम को काफी अच्छे से करे, लगातार करे और उसमें आलस नहीं करे. मतलब उस काम को डिले नहीं करना चाहिए उसे. जैसी भी आपकी स्किल है, जैसी भी आपकी नॉलेज है, उसे पूरा यूटिलाइज करते हुए आप किसी काम को लगातार करते हैं. और जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता तब तक आप और किसी काम में ध्यान नहीं लगाते हैं, अपना माइंड डाइवर्ट नहीं करते हैं और आपको जो भी काम दिया जाता है आप उसमें नानुकुर नहीं करते हैं, उस काम को पूरी मेहनत से करते हैं, तो आप हैं हार्ड वर्किंग. तो आपने कहा अगर आप हैं तो आप में से जो भी हार्ड वर्किंग है वो सभी बोलेंगे. और बोलना सभी को है लेकिन जो हार्ड वर्किंग है वो अपने हैंड को रेज करेंगे. लेट्स सी योर सेंटेंस इज आई एम हार्ड वर्किंग. व्हाट यू से? आई एम हार्ड वर्किंग. वेरी नाइस. आई एम हार्ड वर्किंग. यू आर सेइंग ओके. अगर भाई आप हार्ड वर्किंग हैं तो आपने बोल दिया लाइक दिस. लेकिन अगर आप हैं कुछ और, एक ऐसा पर्सन जो कि स्टडी बहुत ज्यादा करता है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आज बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं क्योंकि उन्हें लाने हैं अच्छे मार्क्स. क्योंकि भाई अगर आप एक गुड स्टूडेंट हो तो स्टडी तो करना बनता है ना. तो आप हार्ड वर्किंग भी हैं क्योंकि आप ज्यादा पढ़ाई करते हैं और आप पढ़ाकू भी हैं. देखिए यहाँ पे टू वर्ड्स में राइटिंग कर रहा हूं. दीज आर टू वर्ड्स. फर्स्ट वर्ड इज दैट फर्स्ट वर्ड इज हियर स्टडियस. व्हाट इज द वर्ड? स्टडियस. यस. तो इफ यू आर सेइंग कि दैट आप है पढ़ाकू, मतलब पढ़ाई ज्यादा करते हैं आप, स्टडी ज्यादा करते हैं, तो आपने कहा कि सर आई एम स्टडियस. व्हाट डू यू से? आई एम स्टडियस. एवरीवन, आई एम स्टडियस. अगर आप हैं पढ़ाकू, मतलब पढ़ाई ज्यादा करते हैं, स्टडी ज्यादा करते हैं, तो आई एम स्टडियस, ऐसा आपको बोलना है. लेकिन आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि सिर्फ स्टडी ही ज्यादा नहीं करते हैं बल्कि वो तो अपनी बुक में ही लगे रहते हैं और कोई एक्टिविटीज करते ही नहीं है. नो इंडोर गेम्स, नो आउटडोर गेम्स, नो टीवी, नो गॉसिप, नो आउटिंग, कुछ भी नहीं. बल्कि वो सिर्फ एक ही काम करते हैं कि बस उन्हें चाहिए होती है बुक्स, वो है बुक लवर. और जहां पर भी उन्हें बुक, वो बुक पढ़ने लग जाते हैं. और वो है ऐसे पर्सन जिनको हम कह सकते हैं कभी कभी इनफॉर्मली किताबी कीड़ा. हमने कहा भाई ये तो किताबी कीड़ा है सर, मैं तो किताबी कीड़ा हूं. देखो सर मुझे तो किताब मिलनी चाहिए, मुझे तो बुक मिलनी चाहिए, उसके बाद फिर मैं स्टडी करता हूँ. सर मैं तो पढ़ाई करता रहता हूँ, मैं तो पढ़ता ही रहता हूँ. उसको तो आपकी हॉबी है रीडिंग, तो आप हैं बुक वर्म. देखिए आपने कहा सर आई एम बुक वर्म. व्हाट डू यू से? आई एम
bookworm. Speak up now again. I am bookworm. Very nice. तो भाई आप अगर हैं bookworm, मतलब कि reading आपकी hobby है, बहुत ज़्यादा reading करते हैं, तो आपने बोला इस प्रकार से. 2-3 sentences I'm writing here so that I am studious. I am tired. थके हुए हैं आप, I'm tired. और या फिर आप कहेंगे कि I am shy. आप जो भी हैं, प्लीज राइट डाउन दीज एग्जाम्पल्स. एंड नाउ एज आई सेड टू यू ऑल, जैसा मैंने आपको कहा था कि डेली इन आवर क्लासेस कीप राइटिंग एवरीथिंग. एट द एंड ऑफ दिस क्लास आई एम सेइंग टू ऑल ऑफ यू, नाइस टॉकिंग यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय.